दिल्ली में ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर प्राइवेट लाइब्रेरीज हैं, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में रहते हैं और प्राइवेट लाइब्रेरी मेंबरशिप के 3000 से 6000 रुपए तक चार्ज करते हैं। लेकिन आज हम पहुंचे हैं भारत सरकार की लाइब्रेरी में, जो कि दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 में स्थित है। और इस लाइब्रेरी की बिल्डिंग को सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चलाया जाता है। यहाँ पर छात्रों का कहना है कि सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं और चार्ज भी बहुत मिनिमम है, यानी 250 रुपये से शुरुआत होती है। और यहाँ पर पढ़ने के लिए, बच्चों के आने के लिए काफ़ी सुविधाएं हैं जो कि उनको मदद करती हैं। लेकिन इस तरह की लाइब्रेरी दिल्ली में हर जगह क्यों नहीं है कि छात्रों को उसका लाभ मिल सके। आज यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस लाइब्रेरी में उन्हें पढ़ना कितना पसंद है और कितनी सुविधाएँ यहाँ पर हैं जिसकी वजह से उनको फ़ायदा होता है। ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर ये एंट्रेंस है और यहाँ पर आपको कुछ स्टूडेंट्स भी दिखाई देंगे और इस तरफ भी यहाँ पर टहलते हुए दिखाई देंगे। आप लोग क्या पढ़ाई करते हैं? हम तो स्टाफ ही हैं सर। स्टाफ लोग स्टाफ से जी जी। तो इस लाइब्रेरी की बहुत तारीफ सुनते हैं हम लोग कि काफ़ी सुविधाएं हैं, अच्छी हैं। जी 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 हाँ, ये 1951 में एस्टेब्लिश हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। अच्छा, तो तब से मतलब यहाँ पे दिल्ली के आमजन के लिए पब्लिक लाइब्रेरी है, तो दिल्ली के आमजन के लिए यहाँ लोग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। कितने बच्चों को यहाँ पर जगह मिल पाती है? अप्रोक्स अब ऐसे मतलब 500 अप्रोक्स। हाँ, एक बार में 500 बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये मतलब मैक्सिमम बता रहा मैं आपको। मैक्सिमम? यस यस। और कितने मेंबर्स हैं ऑलरेडी इसमें? मेंबर्स तो ये दरअसल क्या है कि ये है ब्रांच लाइब्रेरी, इसका हेडक्वार्टर चांदनी चौक है, सेंट्रल लाइब्रेरी। उसका पूरी ब्रांच लाइब्रेरी ऑल ओवर दिल्ली में फैली हुई है, 33 ब्रांचेज हैं यहाँ पे पूरे ऑल ओवर दिल्ली में, जो अलग अलग जगह है, अशोक विहार, भवाना, पटेल नगर, चांदनी चौक, जो हेडक्वार्टर मैंने आपको बता ही दिया है पहले। ऐसी पूरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। ये एशिया की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, हाँ, एशिया के सबसे बड़े पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम है ये। और सभी जगह पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या इसी तरीके से मेंटेन है जो हम यहाँ देख रहे हैं? नहीं, स्ट्रक्चर तो थोड़ा अलग अलग भी हो सकता है। लाइब्रेरी जो स्पेस जैसा होता है वैसे स्ट्रक्चर मिलता है, क्योंकि स्पेस टू स्पेस वेरी करता है स्ट्रक्चर। अब जहाँ जैसा स्पेस हो पाया वैसे हमने बनाया। जो हमारा हेडक्वार्टर है वो अलग स्ट्रक्चर में है। वैसे लाइब्रेरी के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक इंडियन स्ट्रक्चर, एक ब्रिटिश स्ट्रक्चर, जो हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं लाइब्रेरी साइंस की। बाकी ये है मतलब कहीं जो और छोटी लाइब्रेरीज हैं ब्रांच लाइब्रेरी, वो उनका स्ट्रक्चर एकदम नॉर्मली है, मतलब एक दो कमरे की ही लाइब्रेरी है, वहाँ भी रीडिंग रूम। और अपना पहले नाम पहचान आप बता दीजिए और आपके साथ ही इस लाइब्रेरी का आज हम मुआयना करेंगे। हम मेरा नाम राहुल है, राहुल कुमार नापी। किस पद पर हैं? हम अभी लाइब्रेरी अटेंडेंट हैं यहाँ पे। लाइब्रेरी अटेंडेंट है। यस। तो लाइब्रेरी अटेंडेंट हमारे साथ हैं और इनके साथ ही हम लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि कितनी सुविधाएं हैं। और इस तरह की सुविधाएं अगर दिल्ली में और ज़्यादा हो जाएं तो छात्रों को कितना लाभ मिलेगा, वो 3 से 6 हज़ार रुपये जो वो प्राइवेट लाइब्रेरीज में जान का जोखिम उठाकर देते हैं उसे देने से वो बचेंगे और सुरक्षित होकर बहुत अच्छी सुविधा में यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ और हम लोग साथ में बातचीत भी करते रहेंगे और ये लाइब्रेरी भी हम लोग देखते रहेंगे। मेंबरशिप के लिए यहाँ पर काउंटर बने हुए, कोई भी आए तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए। और सामने ये जो एरिया आप देख रहे हैं जहाँ पर आपको बैठे हुए लोग दिखाई देंगे, स्टूडेंट्स दिखाई देंगे, ये न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए है। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी आप देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं। यहाँ पर एसी की सुविधा भी है, सामने ये भी तस्वीर दिखाइएगा। सामने तमाम न्यूज़पेपर्स जो हैं वो रैक में लगे हुए हैं और पूरी सुविधा यहाँ पर दी गई है कि स्टूडेंट्स आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्पेस भी है यहाँ पर, मतलब कोई बहुत कॉम्पैक्ट एरिया नहीं है ये। आप लोग कुछ बताना चाहें लाइब्रेरी के बारे में? ठीक है, मैं तो पहली बार आया हूँ। अच्छा, तो अच्छा लगा आपको? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। इस तरह की फैसिलिटीज़ आपको लगता है कि दिल्ली में और होनी चाहिए? जी, मेरे ख्याल से जहाँ से मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूँ वहाँ पर नहीं है ऐसी फैसिलिटी, तो मेरे ख्याल से वहाँ भी होना चाहिए सर। जी, और अगर पूरी दिल्ली में इस तरह की लाइब्रेरी हो जाए तो शायद जो समस्या आज सामने आई है राजेंद्र नगर से वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसी लाइब्रेरीज गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइब्रेरीज होंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर वो प्राइवेट माफिया नहीं कर पाएगा ऐसा कुछ। ये ई लाइब्रेरी है यहाँ पर और ई लाइब्रेरी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर इंटरनेट सर्फिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि वो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो देखिए कितना सेटअप ये लगा हुआ है और इसकी क्या कैपेसिटी है, कितने कंप्यूटर्स और इंटरनेट? ये जो काउंटिंग में आ रहे हैं इतनी ही है, ये अपना फिक्स बैठते हैं 2 घंटे के लिए, इनको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हम लोग देते हैं। और अपना जो भी इनको देखना है ओल्ड पेपर्स या कुछ लगाने हैं, जो भी ओल्ड पेपर्स सीरीज वगैरह, तो वो अपना करके और दूसरे बच्चे जो भी मेंबर स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं और मैक्सिमम 2 घंटे तक इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, आप
देख सकते हैं ये फैसिलिटी हम आपको एक सरकारी लाइब्रेरी की, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो एशिया की सबसे बड़ी आपने पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और कितनी बढ़िया फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं कि पूरी तरीके से एयर कंडीशन रूम है, इंटरनेट है, लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं मेरे ख्याल से, और इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी रहती है। यस यस। आपसे तो हमने बातचीत की, लेकिन अब स्टूडेंट से ही फीडबैक ले लेते हैं। आप लोग रेगुलर आते रहते हैं? जी सर। कैसी लगती है यहाँ की सुविधाएं? बढ़िया सर, मस्त। बढ़िया लगती है जी सर। जब भी आते हैं तो ये जगह मिल जाती है आपको? जी सर, मिल जाती है। जी सर, आपसे भी बात करेंगे। क्या तैयारी कर रही हैं आप? बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हैं। हाँ। दिल्ली में रह के? हाँ। तो यहाँ पर किस तरह की सुविधा लगती है? अच्छी है, सारी सुविधाएं मिल जाती है। मिल जाती है, इंटरनेट मिल जाता है, सीट्स मिल जाती है, बुक्स भी है। तो आप लोग रेगुलर आते हैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए? हाँ। अब हम दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं, जहाँ पर इनका रीडिंग रूम है, और रीडिंग रूम में चलकर हम देख रहे हैं कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। राहुल जी, आप भी हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि आप ही हमें तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और अंदर की तस्वीरें निरंजन अब आप दिखाइए यहाँ पर, कि कितने सारे स्टूडेंट्स एक साथ आराम से बैठ कर पढ़ाई यहाँ पर कर रहे हैं। और ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं कहीं किसी कॉलेज से हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पर बच्चे करते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से ये सेक्शन बनाया गया है, जिसमें सिर्फ महिलाएं बैठकर पढ़ाई करते हुए आपको दिखाई देंगी। गर्ल स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चों से भी बात करने की कोशिश हम लोग करेंगे। क्या पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, कुछ बताइए। सिविल सर्विसेज की तैयारी। अच्छा, यूपीएससी के स्टूडेंट सबसे पहले हमें मिल गए हैं, तो इनसे ही बातचीत करते हैं। इस लाइब्रेरी में कब से आना हो रहा है? अभी कुछ महीने हुए हैं, 4-5 months। हाँ जी। अच्छा, तो फैसिलिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो कैसा है? बेटर हैं बाकियों से कंपैरेटिवली। काफ़ी जगह ट्राई किया था, बट आउट ऑफ देम बेस्ट तो यही है अब तक। प्राइवेट लाइब्रेरी के बारे में आपने सुना होगा, राजेंद्र नगर की घटना के बारे में भी सुना होगा, तो कभी सोचा कि वहाँ पर उस एरिया में भी जाके पढ़ाई करें या तैयारी करें? नहीं नहीं, मतलब मैंने नहीं सोचा कि मैं वहाँ पे स्पेसिफिकली जाके, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिल्ली में हूँ, तो बाकी सारी फैसिलिटीज़ मिल गई थी आसपास, तो वहाँ जाने का नहीं सोचा। बेटर। ओके। और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स हैं जो कि लगातार अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि अलग अलग केबिन्स यहाँ पर हैं, और आराम से बैठकर यहाँ पर पढ़ाई हो सकती है। ऐसी एक जगह ये सरकार की तरफ से बनाई हुई जगह है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस बात के लिए चाहेंगे कि उनको इस तरह के लाइब्रेरी में जगह मिले, और उस लाइब्रेरी में जगह ना मिले जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी, और जहाँ पर जान भी बच्चों की चली गई, उस लाइब्रेरी में शायद जाने की यहाँ से कोई कल्पना करे। लेकिन फिर भी हम लोगों से आज बातचीत कर रहे हैं, उन्हीं से फीडबैक ले रहे हैं कि इस तरह की लाइब्रेरीज़ क्या दिल्ली में और होनी चाहिए, और आवश्यकता है। आप भी तैयारी कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ, एक मिनट आपका लेना चाहूँगा। आपने राजेंद्र नगर की घटना के बारे में सुना होगा, यहाँ भी लाइब्रेरी है, कभी आपको लगा कि इस तरह की लाइब्रेरीज लोगों के लिए अनसेफ हो सकती है? जी सर, हो सकती है। और राजेंद्र नगर की घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है? सर, मैंने न्यूज़ देखा था, तो बस थोड़ी सी नॉलेज मिली थी कि ऐसा हुआ था, मतलब बारिश से काफ़ी लोग वहाँ से डूब गए थे, भाग रहे थे। अच्छा, लेकिन ये लाइब्रेरी बेहतर है ना उन लाइब्रेरी से जिसके बारे में आपने सुना? सर हाँ, ये तो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा है। इस तरफ जो सेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर जनरल सेक्शन है मेरे ख्याल से, राहुल जी? हाँ जी जी, कॉमन एरिया है। अच्छा। बच्चों, हाँ, सभी के लिए। तो ये एक बार जो स्टूडेंट्स आते हैं कितनी देर तक यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं? लगभग पूरा दिन ही पढ़ते हैं, सुबह से आते हैं, सुबह जो हमारा स्टडी रीडिंग रूम टाइम है ना, वो 8 बजे आ जाते हैं बच्चे, और अपना जो उनका मेंबरशिप है रीडिंग रूम वाला, वो अपना चेक कराते हुए और यहाँ बैठ जाते हैं, मतलब अपना जो भी उनका सिटिंग एरिया है, अपने अपना स्पेस लेके और बैठ जाते हैं ऐसे करके, और पूरा दिन अपना बैठे रहते हैं ऐसे करके। बिल्कुल। यहाँ पर भी देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप कुछ बात करना चाहेंगे फैसिलिटीज़ के बारे में, सबसे पहले क्या कहेंगे? ये गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, आम तौर पर लोगों को लगता है कि सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं हैं, जब आप इस जगह पर बैठकर पढ़ाई करते हैं तो क्या लगता है, सुविधा है? हाँ बिल्कुल है, सुविधाएं हैं, और प्राइवेट सेक्टर से अच्छी सुविधाएं यहाँ पर जो है, और मूलभूत सुविधाएँ हैं, जैसे सेफ्टी के जो यहाँ प्रयोग हुए हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं इधर जो, और कोई दिक्कत नहीं होती है इधर, आराम से पढ़ते हैं, नीचे हैं, ऊपर भी लाइब्रेरी है, आराम से बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर।
प्राइवेट लाइब्रेरी के बारे में सुना होगा आपने, राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर में पढ़ के आया हूँ 2 साल, वहाँ से फिर इधर मेरा मकान था, यहीं पर रहता हूँ, तो उससे बेहतर सुविधाएं इधर दिखती हैं। उधर की लाइब्रेरी में क्या सुविधाएं होती हैं नॉर्मली, जो 3 से 6 हज़ार रुपये लेते हैं, क्या क्या वहाँ पर फैसिलिटी? सुविधाएँ तो कुछ नहीं होती, मतलब नाम पर रहता है बस वहाँ पर, लेकिन जो यहाँ सुविधाएँ हैं वहाँ पैसे ज़्यादा रहते हैं, पैसे भी कम हैं, और सुविधाएँ बुक्स भी हैं, वहाँ बुक्स रहती नहीं, और यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, जैसे बुक्स तो अवेलेबल हैं, पानी अवेलेबल है बढ़िया एकदम, और समय का भी बढ़िया एकदम अच्छा रहता है इधर। बिल्कुल, ये स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम रैंडमली बिल्कुल जाकर बातचीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें पता है कि हम किनसे बात करेंगे और किनसे सवाल पूछेंगे, हम पिक एंड चूज करके बात कर रहे हैं कि कोई भी बैठा हुआ स्टूडेंट है उनसे हम फीडबैक ले रहे हैं, और जितने भी स्टूडेंट से हम लोग बातचीत कर रहे हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर सुविधाएँ बेहतर है और इस तरह की लाइब्रेरीज़ दिल्ली में और होनी चाहिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। आप लोगों से थोड़ा बात करते हैं। जी सर, आपको लगता है कि इस तरह की लाइब्रेरी दिल्ली में इतनी हो जाए कि शायद प्राइवेट लाइब्रेरी में जाने की स्टूडेंट्स को ज़रूरत ना पड़े? नहीं सर, प्राइवेट लाइब्रेरी नहीं रहेंगी तो लोगों का व्यवसाय कैसे चलेगा? अच्छा, तो व्यवसाय चलना ज़रूरी है? व्यवसाय भी चलना ज़रूरी, पर एक लिमिट रहनी चाहिए पैसों की। आपके जैसे छात्र को अगर कोई 6,000 रुपये कहे लाइब्रेरी में बैठने के लिए, इसी जगह पे देने के लिए, तो कैसा लगेगा? 6,000 तो बहुत ज़्यादा है सर। ज़्यादा है ना? बहुत ज़्यादा है, जैसे गवर्नमेंट के हिसाब से 100 रुपये, तो आप मान लो 200 रुपये ले लो, 300 रुपये ले लो, इतने में मैं मतलब। लेकिन 3,000 से कम में आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी पब्लिक प्राइवेट लाइब्रेरी में जिनकी आप वकालत कर रहे हैं? अगर वकालत उनकी कर रहे हैं तो सर गलत बात है, तब इससे अच्छा कि गवर्नमेंट ही बेटर है। पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो और अच्छी अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए। बहुत जल्दी आप समझ गए बात को। आप बताइए कि इस तरह की लाइब्रेरी ज़्यादा होनी चाहिए या फिर प्राइवेट लाइब्रेरीज़ को फलना फूलना चाहिए? सर, इस तरह की लाइब्रेरी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जिस तरह की सुविधाएं हैं लिमिटेड प्राइवेट में नहीं मिलती है। क्योंकि आप प्राइवेट में जाएंगे तो उसमें हम जितना पैसा देंगे उसके हिसाब से हमें पढ़ने दिया जाएगा, उसके हिसाब से उसमें क्या व्यवस्था है क्या नहीं है वो उनके ऊपर है। यहाँ है तो यहाँ जो स्टाफ के लोग हैं अपना काम करते हैं और हर चीज़ देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और प्लस यहाँ की जो मतलब प्राइवेट के अगर तुलना में देखें तो ये बेटर है, क्योंकि मैं दोनों में पढ़ चुका हूँ। अच्छा। इसमें कम पैसे हैं, सुविधा भी ज़्यादा है, तो ये बेटर है प्राइवेट से। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको बेहतर बताते हैं। आप बताइए कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पर? सर, मैं 6 मंथ से आ रहा हूँ। 6 मंथ से? हाँ। तो आपको कभी राजेंद्र नगर में जाके तैयारी करने का मन नहीं करता? सर, ये हमारे घर के पास है और यहाँ पे ज़्यादा मतलब फ्री कॉस्ट है और ज़्यादा पेमेंट भी नहीं देना पड़ता है, तो राजेंद्र नगर हमारे घर से दूर है, हम पास में ही रहते हैं, तो क्यों अगर ना राजेंद्र नगर है। अच्छा, एक राय आपसे मैं लेना चाहूँगा कि इस तरह की लाइब्रेरीज़ की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए या फिर प्राइवेट लाइब्रेरी होना चाहिए, जिसको पैसा है वो पैसा वहाँ पर खर्च करना चाहिए? सर, ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर मतलब ज़्यादा फीस वगैरह कुछ कमी नहीं देना पड़ता है, और प्राइवेट में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और जाहिर सी बात है फ्री रहेगा तो बच्चे पढ़ने के लिए कुछ उत्साह होंगे और सोचेंगे कि हम आगे जाके पढ़ें या कोशिश करें, जहाँ पे अगर पैसे वाली बात आएगी तो प्राइवेट के लिए तो थोड़ा वो होगा। 6 महीने से आप यहाँ पर आ रहे हैं और भी स्टूडेंट्स आ रहे हो, कभी किसी सुविधा की अगर शिकायत भी हो तो बता दीजिए, फीडबैक अपना बता दीजिए कि यहाँ पर ये दिक्कत है और ये चीज़ सही होनी चाहिए। सर, वैसे तो सब कुछ यहाँ पर ठीक ही है, एसी वगैरह हर चीज़ बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई नेगेटिव बात करने के लिए नहीं है आपके पास? सर बिल्कुल। तो ये इन स्टूडेंट्स का फीडबैक है जो यहाँ पर तैयारी करने के लिए आते हैं, चूंकि यहाँ पर अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़्यादा समय हम लोग इनका नहीं लेंगे, लेकिन एक सवाल मैं आप सभी लोगों से करना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, इस वक्त मेरे ख्याल से कम 100 स्टूडेंट इसी हॉल में बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों में से UPSC की तैयारी करने वाला कौन कौन है, एक बार हाथ उठा दीजिए आप लोग। देखिए, यहाँ पर UPSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी आपको ठीक ठाक दिखाई देगी, और बाकी और भी लोग जो जॉब की तैयारी करें, यानी कि SSC या किसी भी तरह के जॉब की तैयारी करने वाले। अब हम आ गए हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी अशोक विहार के 3rd फ्लोर पर, जहाँ पर ये हॉल है जिसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं, और यहाँ पर भी सुविधाएँ कमोबेश वैसी ही हैं जैसी कि हमने आपको नीचे दिखाई थी। पूरी तरीके से एयर कंडीशन रूम है और यहाँ पर टेबल और चेयर की फैसिलिटी है, और देखिए किस तरीके से ग्रुप में बच्चे बैठकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं, कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग गवर्नमेंट जॉब या फिर अपने चॉइस के हिसाब से जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की वो तैयारी करना चाहें वो तैयारी कर रहे हैं। राहुल जी, ये टॉप फ्लोर है, अभी की अगर हम बात करें तो जो इंसिडेंट राजेंद्र नगर में हुआ उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट लाइब्रेरीज़ को सील भी कर दिया गया है, तो उसकी वजह से क्या आप लोगों के पास भी स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है?
जी बिल्कुल बड़ी है, हाँ जी बिल्कुल बड़ी है, संख्या बड़ी है। आसपास लाइब्रेरीज बंद होने से हमारे यहाँ पे मेंबरशिप इंक्रीज हुई है, और जिससे हमारे यहाँ भी थोड़ा सा स्पेस का, अब स्पेस तो मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं दे पाते, तो थोड़ा स्पेस का इशू है, और लेकिन कोशिश करेंगे कुछ यहाँ भी कुछ और भी टेबल लगाएँ, चेयर इंक्रीज करें। अच्छा, तो ये जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं ये रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या फिर इसमें नए बच्चों की संख्या भी ऐड होती रहती है, मतलब अभी इधर बीच भी हुई है जब से 27 जुलाई की घटना हुई? नहीं, नए बच्चों की संख्या भी ऐड ऑन हुई है मतलब, और कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स भी हैं, ऐसे करके दोनों कम्बाइन है। नए बच्चे भी आए हैं डेली, मैंने बताया जैसे कि मेंबरशिप हमारी डेली की कम से कम 20 से 25 डेली का मेंबरशिप आते ही आता है, नए मेंबर्स ऐड होते हैं। हां बिल्कुल ऐड होते हैं। ये जो अशोक बिहार दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का डेली का स्टेटिक्स है, जो वो 20 से 25 रफ फिगर भी अगर हम जानना चाहें कि अशोक बिहार की एक ऐसे लाइब्रेरी जो कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें डेली कितने स्टूडेंट्स आकर और पढ़ाई करके चले जाते होंगे, अगर अंदाज़ा भी बताएं तो? मैक्सिमम मैं कहूँ अप्रोक्स 500 के आसपास, 500 बच्चे। हाँ हाँ बिल्कुल। ये इसमें जो किताब इशू कराने आ रहे हैं उनको भी मैंने इंक्लूड किया है, जो डेली यूजर हैं रीडिंग रूम में आते हैं बैठ के पढ़ते हैं वो भी हैं, दोनों मिला के बस। तो देख सकते हैं आप कि इस वक्त हम इस हॉल में मौजूद हैं जहाँ पर कि स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, और इनका कहना है कि लगभग 500 स्टूडेंट्स हर रोज़ यहाँ पर आते हैं और इसी तरीके से पढ़ाई करते हैं अच्छी फैसिलिटीज़ के अंदर, और उसके अलावा सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि यहाँ से किताबें इशू कराकर और फिर ले जाते हैं वो अपना सेल्फ स्टडी के लिए भी। तो ये एक सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है जो कि एक आइडियल फैसिलिटी कही जा सकती है स्टूडेंट्स के लिए, और अगर इस तरह की सुविधाओं को और बढ़ाई जाए तो शायद उन स्टूडेंट्स को प्राइवेट लाइब्रेरी की मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ेगी, उनमें नहीं जाना पड़ेगा जहां पर सुरक्षा पर सवाल हैं और जान पर भी आफत है। TV9 भारतवर्ष के लिए निरंजन के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।